नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आप देख रहे हैं देश का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल newsfirst.tv। खबरों के सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जीके वासन ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, नए राजनीतिक दल के गठन का करेंगे ऐलान। दिल्ली में बीजेपी नए सिरे से चुनाव कराने के पक्ष में, दिल्ली में चुनाव होने के बड़े आसार, उपराज्यपाल करेंगे तीनों पार्टियों से बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में माहौल खराब करने का काम कर रही बीजेपी। बाघा बॉर्डर पर फिदायीन हमला, भारत ने 3 दिनों के लिए रोकी बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी। आईपीएल 6 सट्टेबाजी स्पॉट फिक्सिंग मामला, मुद्गल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राजधानी में सरकार बनाने की हर संभव कोशिश जारी। आज शाम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से उपराज्यपाल मिलेंगे, जिसमें सरकार बनाने को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में नए सिरे से चुनाव के पक्ष में। ऐसे में दिल्ली चुनाव होगा कि नहीं, इसका फैसला 1 से 2 दिन में हो सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल चुनाव आयोग के सामने झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन ने पार्टी छोड़ दी है। वासन 2-3 दिन में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। वासन के मुताबिक, मैं तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रदर्शन से बेहद चिंतित हूँ। कांग्रेस पिछले 47 साल से राज्य की सत्ता से दूर। वासन ने कहा कि उनकी नई पार्टी के नाम और उनके झंडे के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। मुहर्रम से एक दिन पहले दिल्ली के वाना इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के 850 जवानों को इलाके में लगाकर छावनी में तब्दील कर दिया गया। महापंचायत के बाद से इलाके में मुहर्रम को लेकर तरह तरह की अफवाहों ने इलाके में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। बीजेपी ने झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास के नाम शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद लाल सिंह को बसोहली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की लगभग 3 घंटे तक चली बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लैक मनी को लेकर खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत अन्य पार्टियों की तीखी आलोचना की। जेटली के मुताबिक नामों का खुलासा करने से जांच में असर पड़ सकता है और इसका फायदा दोषियों को मिल सकता है। जेटली इस टिप्पणी से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बाघा बॉर्डर पर रविवार शाम भारत और पाकिस्तान के ध्वजों को नीचे उतारने के लिए आयोजित समारोह के तुरंत बाद पाकिस्तान में बॉर्डर के करीब जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस आत्मघाती विस्फोट में 11 महिलाओं और 3 सुरक्षा कर्मियों समेत 55 लोग मारे गए, जबकि 200 लोगों के घायल होने की खबर है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पंजाब पुलिस के IG मुश्ताक सुखेरा के मुताबिक आत्मघाती हमला और गेट की ओर बढ़ा उस समय समारोह देखने के बाद भीड़ परेड इलाके से निकल रही थी। यह विस्फोट करीब भारतीय सीमा से 500 मीटर की दूरी पर हुआ। पाकिस्तान सरकार ने स्थानीय लोगों से रक्तदान करने की अपील की है।
वाघा बॉर्डर पर हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि घटनास्थल के पास मौजूद दुकानों और इमारतों में हुआ नुकसान साफ देखा जा सकता है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों घटनास्थल को घेर लिया। आपको बता दें कि इस घटना की पीएम मोदी ने ट्वीट पर कड़ी आलोचना की, साथ ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस घटना की कड़ी शब्दों में आलोचना की। पाक पीएम नवाज शरीफ ने विस्फोट पर संज्ञान लेते हुए घटना की रिपोर्ट मांगी है। वाघा सीमा पर रविवार को पाकिस्तान में हुए फिदायीन हमले के बाद भारत ने अगले 3 दिन के लिए रिट्रीट सेरेमनी रोक दी है। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने बताया कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी। आपको बता दें कि अब तक प्रतिदिन होने वाली इस सेरेमनी को देखने के लिए भारतीय नागरिकों की भांति ही पाकिस्तान क्षेत्र में वहाँ के नागरिक भी सीमा पर पहुँचते हैं, लेकिन इस घटना को देखते हुए इस कदम को उठाया गया है। हमारा कल रात ही उनसे संपर्क हो गया था, मतलब जो एक बेसिक कंपनी कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हो गई थी, और उसके बाद ये निर्णय हुआ है कि 3 दिन तक अब जो है वाघा पर जो ज्वाइंट रिट्रीट सेरेमनी है वो नहीं होगी। We must understand that Pakistan is at the moment probably reaping the same fruit what they sowed. You see, they gave birth to this sort of system to carry out in India the terrorist activities. Now they are suffering the same, the malady they're suffering what they gave birth to. मोदी ने रेडियो में देश को संबोधित करते हुए फिर से एक बार काला धन का मुद्दा छेड़ दिया। काला धन कैसे आएगा, उसका रास्ता क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर सवाल करने से पीएम मना कर रहे हैं। तो फिर काला धन आएगा कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। मोदी ने मुख्यमंत्री से पीएम तक का सफर काले धन को मुद्दा बनाकर जिस तरह से आए हैं, आज वही कह रहे हैं कि किस रास्ते से काला धन आएगा ये नहीं पता, लेकिन देश के गरीबों का पैसा मैं एक एक पाई लाऊंगा। तो चलिए आपको इसके पहले की राजनीति से भी रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि 1989 में बीपी सिंह ने स्विच बैंक में जमा काले धन को मुद्दा बनाया और यही मुद्दा बीपी को भी पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। अगर ध्यान दे तो अब 25 बरस बाद काले धन और भ्रष्टाचार की इसी हवा ने नरेंद्र मोदी को भी पीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। 1989 में पहली बार बीपी ने खुले तौर पर बोफोर्स घोटाले में कमीशन का पैसा स्विच बैंक में जमा होने का जिक्र अपनी हर चुनावी रैली में किया था, जिससे हर गली मोहल्ले और शहर में बसे लोगों को ये लगने लगा था कि बीपी पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तो पैसा वापस लाएंगे और कमीशन खाने वालों को जेल भी पहुंचाएंगे। तब लोगों ने बीपी पर भरोसा किया, लेकिन बीपी भी पैसा नहीं ला सके। आपका दौर मोदी के भरोसे चल रहा है, जिसको जनता ने काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे किया। तो फिर लाख टके का सवाल है कि क्या विदेशों में जमा काले धन की कौड़ी भर भारत में आ पाएगी या फिर सिर्फ सपने ही दिखाते जाते रहेंगे। अगर काले धन के इसी चेहरे को राजनीति से जोड़े तो फिर 1993 की बोहरा कमेटी की रिपोर्ट और मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग का चुनाव प्रचार में अनअकाउंटेंट मनी का इस्तेमाल उसी राजनीतिक सत्ता को कटघरे में खड़ा करती है जो सत्ता में आने के लिए स्विच बैंक का जिक्र करती है और सत्ता में आने के बाद स्विच बैंक को एक मजबूरी करार देती है। अब सवाल ये है कि जब काला धन चुनावी मुद्दा हो और काला धन ही चुनाव प्रचार का हिस्सा हो तो फिर काला धन वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? मोदी देश के लोगों को भरोसा करने को कह रहे हैं, लेकिन देश जब से आजाद हुआ है तब से देश की जनता राजनेताओं के बयानों पर ही भरोसा करते आए, लेकिन राजनेताओं ने देश की जनता के भरोसे को तोड़ा है। तो फिर देश किस राजनेता पर भरोसा कर, क्या पीएम मोदी के भरोसा दिलाने से काला धन आ जाएगा? सबसे मुश्किल सवाल यह है कि राजनीति के अपराधीकरण के पीछे वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने 2 दशक पहले ही काले धन का खुला जिक्र कर दिया था और मौजूदा वक्त में कारपोरेट पूंजी के आश्रय चुनाव लड़ने और जीतने वाले नेताओं की फेहरिस्त उसी तरह सैकड़ों में है जैसे काला धन सेकुलर छवि के साथ देश के सामने आ खड़ा हुआ है। तो फिर लाख टके का सवाल यही है कि बीते लोकसभा चुनाव में बार बार विदेशी बैंकों में जमा 500 अरब डॉलर के काले धन का जो जिक्र किया गया है, वह काला धन कभी भारत आएगा भी या फिर देश को सिर्फ सपने ही दिखाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.टीवी।
दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग ने पहल की है। जंग ने दिल्ली में सरकार गठन पर चर्चा के लिए तीनों पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बुलाया। एलजी आज शाम तीनों पार्टियों से अलग अलग बात करेंगे। एलजी सबसे पहले बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। आपको बता दें कि दो राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के मूड में नहीं है। गंगा को मैला करने वाले अब सरकार की निगाह से बच नहीं सकेंगे। निर्मल गंगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को गति देते हुए सरकार ने इनकी पहचान के लिए 25 विशेष टीमें गठित करने की तैयारी की है। ये टीमें पवित्र गंगा को प्रदूषित करने वाले स्रोतों को चिन्हित करेंगी ताकि इन पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। इन टीमों में जल संसाधन मंत्रालय के कई मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। ये टीमें सर्दियों के समय गंगा और इसमें मिलने वाले नालों का विस्तृत रूप से निरीक्षण करेंगे। सर्दियों के समय गंगा में ग्लेशियरों का पानी नहीं होता है, इसलिए इस समय गंगा को प्रदूषित करने वाले ऐसे गंदे पानी के स्रोतों को आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा जो उद्योगों और फैक्ट्रियों से निकलता है। यूपी में सीएम अखिलेश की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीएम ने लायन सफारी प्रजनन केंद्र को मंजूरी देते हुए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इस दौरान यूपी कैबिनेट के सभी बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके दौरान एनएसजी सिक्योरिटी को हटाए जाने की बात पर सीएम ने कहा कि वह बिना किसी सुरक्षा के भी रह सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफ़र करने जा रहे हैं और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपको अब रिफंड की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत यात्री ट्रेन छूटने के 2 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड ले सकते हैं। अब तक टिकट कैंसिल कराने पर आधा किराया ही वापस मिलता था। अब टिकट कैंसिल कराने पर पूरा किराया वापस लेने के लिए यात्री को मैनेजर के पास उपलब्ध टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट भरकर जमा करनी होगी। इस फॉर्म में टिकट कैंसिल करने की वजह बतानी होगी और अगर मैनेजर यात्री की बताई गई वजह से संतुष्ट होता है तो उसे वेरीफाई कर दे और इसके बाद यात्री रिजर्वेशन ऑफिस जाकर पूरा पैसा वापस ले सकता है। अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में घर से पुलिस ने हरियाणा से लाई गई अवैध शराब के साथ 2 युवकों और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान सीओ सोमवीर सिंह ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराधियों की धरपकड़ चल रही है, जिसमें सूचना पर पहुंची पुलिस ने हरियाणा ब्रांड की शराब बरामद की है जिसमें महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में जुटी है। नेतृत्व में एक टीम पुलिस की स्वर्ण जयंती नगर में गई थी जहां पर एक मकान पर जो है हरियाणा मेक की बनी हुई शराब जिसमें मैकडावल इत्यादि हैं करीब 70 बोतल 6 पेटी शराब बरामद की गई है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की बातों को के लिए भी उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें मकान में महिलाएँ भी थीं, उस संबंध में भी जाँच की जा रही है और जो सही कार्य होगा वो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट.tv।